नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। भारत के दबाव के आगे आखिर पाकिस्तान ने यह मान लिया है कि विश्व का मोस्ट वांटेड अपराधी, या यूं कहें कि डॉन, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में। पहली बार पाकिस्तान ने जो एक लिस्ट जारी की है आतंकी संगठनों की और उन आतंकी लोगों की, उस लिस्ट में दाऊद इब्राहिम का नाम है। ऐसा पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान ने यह माना है कि दाऊद कराची में ही रहता है, और यहां तक कि नाम और उसका पता भी उन्होंने जो एक लिस्ट जारी की है, 88 संगठनों की यह लिस्ट है आतंकी समूहों की और उन लोगों की जो लगातार आतंकी वारदातों को अंजाम देते हैं, इस लिस्ट में दाऊद इब्राहिम का नाम है। भारत लगातार पाकिस्तान से ये कह रहा था कि आपने दाऊद इब्राहिम को पनाह दे रखी है, लेकिन पाकिस्तान हर मंच पर इस बात का लगातार विरोध करता आ रहा था कि दाऊद उनके यहाँ नहीं रहता। लेकिन अब पाकिस्तान ने यह मान लिया है, पाकिस्तान की सरकार ने यह मान लिया है कि मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है, और यहाँ तक कि पाकिस्तान की सरकार ने उसके तमाम बैंक अकाउंटों को भी फिलहाल फ्रीज करने के लिए कहा है। दरअसल 88 प्रतिबंधित आतंकी संगठन में जिनको प्रतिबंधित करने की बात कही है पाकिस्तान सरकार ने, उसमें हाफिज सईद, मसूद अजहर सहित दाऊद इब्राहिम का भी नाम है। मुंबई हमले का मुख्य आरोपी दाऊद इब्राहिम, जिसे लगातार भारत सरकार ये कहती रही है, हर मंच पर भारत सरकार ने यह कहा कि पाकिस्तान ने दाऊद को पनाह दे रखी है, लेकिन पाकिस्तान इस बात को लगातार झुठला रहा था। लेकिन अब जो उसने एक लिस्ट जारी की है, उस लिस्ट के अनुसार दाऊद इब्राहिम का नाम इस लिस्ट में है। FATF ने जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है आतंकियों को फंडिंग करने वाली संस्थाओं पर नजर रखने के लिए जो एक लिस्ट दी है पाकिस्तान ने, उस लिस्ट में दाऊद इब्राहिम का नाम है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी तक जानकारी निकल के आ रही है, उस मीडिया रिपोर्ट की माने तो यह दावा किया गया है पेरिस स्थित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे सूची में डाल दिया था और इस्लामाबाद को 2019 के अंत तक आतंकियों पर लगाम कसने के लिए कार्य योजना लागू करने के लिए कहा था, लेकिन बाद में कोरोना महामारी के कारण इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई। अब पाकिस्तान सरकार ने 18 अगस्त को 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद जैसे, मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले लोगों के खिलाफ कठोर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करते हुए दो सूचनाएं जारी की है। मोस्ट वांटेड अपराधी दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, कराची में है, और पाकिस्तान सरकार ने जो लिस्ट सौंपी है उसमें उसका नाम है। भारत लगातार हर मंच से ये कहता रहा है कि पाकिस्तान की सरकार ने दाऊद को पनाह दे रखी है, और आखिर भारत का दबाव पाकिस्तान ने मान लिया है और जो लिस्ट जारी की है उसमें दाऊद इब्राहिम का भी नाम है।